नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टुडेज हेडलाइन में और मैं हूँ आपके साथ ऋतु भंडारी। अखबारों की समीक्षा और खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं जिनसे आपका परिचय करा देते हैं। शिव अनुराग पटेरिया जी और रमेश शर्मा जी, आप दोनों का बहुत स्वागत है। सर पटेरिया, सर आप ही से शुरुआत करूंगी, क्या कुछ अखबारों की सुर्खियां? देश के मुख्यमंत्री के द्वारा ड्रग माफिया के खिलाफ अभियान चलाए जाने को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में है। दूसरा, किसान आंदोलन को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर सारी चीजें हैं। मौसम का पहला मावठा गिरा है जिससे किसानों में बहुत ही खुशी है। और सबसे बड़ी बात है कि शहडोल में बच्चों की मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है। अब मैं सिलसिलेवार आपसे बात करता हूँ। किसान आंदोलन में वामपंथियों और उग्रवादियों के प्रवेश को लेकर चिंता जताई है और दूसरे कई अखबारों ने, खासतौर से अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा है कि जिस तरह से वामपंथियों का प्रवेश हो गया है, चाहे वो पीपुल्स है, किसानों की आड़ में असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने की साजिश कर रहे हैं, ये केंद्र सरकार का आरोप है। स्वदेश ने कहा उग्र वामपंथियों ने हाईजैक किया किसान आंदोलन, जावड़ेकर का कहना है। और इसी तरह से नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है किसान आंदोलन में दंगाइयों के पोस्टर ठीक नहीं, ये नवदुनिया में छपा है। और इस तरह से दूसरे अखबारों में भी सारी बातें हैं। और आज सबसे बड़ी बात है जो नया इंडिया ने कहा कि आज काफी बड़ी कार्रवाई किसान कर सकते हैं, वही किसान सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचे हैं। इस खबर को भी कई अखबारों ने बहुत ही प्रमुखता के साथ लिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ड्रग माफिया को लेकर सख्त संदेश दिए हैं। कल उन्होंने इंदौर में भी इस बात को कहा, उसके पहले भोपाल में रिव्यू मीटिंग करते हुए कहा कि इनसे बिल्कुल सख्ती के साथ पेश आए, उनके उखाड़ कर फेंक दें। सबसे बड़ी बात है इस खबर को चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे भास्कर हो या दूसरे अखबार हो, सबने बहुत अच्छी तरीके से किया है। पत्रकार ने इसको सबसे ज्यादा महत्व के साथ प्रस्तुत किया है। पत्रकार ने कहा है ड्रग माफिया पर हो सख्त कार्रवाई, हुक्का लाउंज भी बंद कराए प्रशासन से कहा गया है। तो सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो सर्वे सर्वा हैं, अगर वो इस बात को कहते हैं तो इस बात को मानिएगा कि चीजें आकार लेंगी। और सबसे बड़ी बात है कि इस माफिया ने, ड्रग माफिया ने मध्य प्रदेश की नई जो पौध है, नई जनरेशन, उसको बर्बाद करने का एक बड़ा काम किया है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर है, कल भोपाल के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल हमीदिया अस्पताल में 1.5 घंटे की लाइट चली गई, उसके कारण से एक पार्षद की मौत हो गई। इसको लेकर भास्कर और नवदुनिया ने फ्लायर यूज किया है, यानी सबसे बड़ी खबर के तौर पर यूज किया है। और उन्होंने इस बात के लिए सवाल खड़े किए हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। सबसे बड़ी बात है नवदुनिया ने कहा कोविड वार्ड की दूसरी गोल वेंटिलेटर पर रहे मरीज की मौत एक गंभीर। यही बात भास्कर ने कहा के कोरोना वार्ड की बैकअप फेल, जनरेटर भी 2 घंटे खराब, हाई फ्लो सपोर्ट पर चल रहे फूड पार्सल की मौत एक गंभीर। ये बहुत ही गंभीर मामला है, मुझे लगता है सरकार को इस पर सख्त कार्रवाई करना चाहिए। अगर इस तरह की हरकतें होती हैं, देखिए आप वहाँ पे हाई पावर सप्लाई है। पटेरिया जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, कुछ तकनीकी खराबी के चलते आवाज आपकी क्लियर यहाँ तक पहुंच नहीं पा रही है। रमेश जी, क्या कुछ अखबारों की सुर्खियां? रमेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? फिलहाल तकनीकी खराबी के चलते उनसे संपर्क टूट गया है। पटेरिया जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी सर, जिस तरह से आपने किसान आंदोलन का जिक्र किया और लगातार हम इस पर भी चर्चा करते हैं कि किसान आंदोलन कहीं ना कहीं हम उग्र होता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में तस्वीरें भी देख रहे हैं कि किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में बाकी जो किसान है दूसरे राज्यों के, वो भी अब संपर्क में आ रहे हैं, तो किस तरह से क्या इसका सुझाव निकाला जाए, किस तरह से हल निकाला जाए ताकि सरकार किसानों को जिस तरह से आंदोलन चल रहा है इस आंदोलन को खत्म कर दे। ऋतु जी, वास्तव में सरकार को उदारता का परिचय देना चाहिए और किसानों को भी उदारता का परिचय देना चाहिए। आपके चैनल पर मैंने कई बार कहा कि दोनों पक्षों को दो दो कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। केंद्र सरकार से उम्मीद करना कि कानूनों को पूरी तौर पर स्क्रैप कर देंगे, तो 1990 से लेकर अब तक उदारीकरण को लेकर जो एक्सरसाइज की गई है खासतौर से कृषि क्षेत्र में, वो सत्यानाश हो जाएगी, स्क्रैप हो जाएगा। अगर किसानों को कहीं समस्या है तो मुझे लगता है उसको एड्रेस किया जाना चाहिए, उनमें कानूनी संशोधन होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी एक बड़ा सवाल है,
कि नवदुनिया ने जिस बात को जिक्र किया, उन्होंने कहा अगर एमएसपी पे गेहूं अनाज या दूसरी फसलें खरीदी जाती हैं तो पूरा जो तंत्र है, बाजार है, वो गड़बड़ा जाएगा और हिंदुस्तान में जो गेहूं चना अनाज या दूसरी फसलों के मूल्य है वो बहुत बढ़ जाएंगे। इसके कारण से उद्योग जगत है विदेश से आयात करने के लिए बाध्य होगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल है कि क्या आंदोलन में वामपंथी उग्रवादी या ऐसे तत्व शरीक हो गए हैं जो देश में शांति नहीं चाहते हैं। इस सारी बातों को लेकर मुझे लगता है कानूनी प्रावधानों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में एक अर्जी दी गई है। वहीं पंजाब समेत आसपास के राज्यों से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं, उसके कारण से कई बार ऐसा लगता है कि कहीं कोरोना ना स्प्रेड हो जाए, खासतौर से सिंधु बॉर्डर में। ये बहुत गंभीर मामला है। मुझे लगता है सरकार को थोड़ी उदारता, बड़ी उदारता के साथ में प्रस्तुत होना चाहिए। किसानों को भी समझना चाहिए कि एक झटके में अगर आप सारी चीजों को खत्म करने की कोशिश करेंगे तो पूरा तंत्र ध्वस्त हो जाएगा। जी बिल्कुल रमेश जी, मैं आपके पास आऊंगी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल। क्या कुछ अखबारों की सुर्खियां? देखिए मोटे तौर पर जैसा कि सबसे बड़ी सुर्खी तो इस किसान आंदोलन की ही है जिसका जिक्र पटेरिया जी ने किया है, और इसमें तो अच्छी बातें भी मध्य प्रदेश में आज सामने आई हैं जो अखबारों में छपी हुई हैं। किसान उससे संबंधित एक खबर होशंगाबाद से आई है, वहां किसी चावल मिल ने पहले किसानों से कोई एग्रीमेंट किया था और उनको लगता था कि फसल कमजोर होगी तो ज्यादा दाम में होगा और बाजार में जैसे ही दाम गिरे तो उसने खरीदना बंद कर दी। तो कुल मिलाकर के ये जो इस कानून के तहत अब सरकार ने उस मिल पर ये दबाव बनाया है कि वो पुराने एग्रीमेंट और पुराने रेट के आधार पर ही किसानों से की खरीदी शुरू करे। इस कानून का एक सुखद पहलू यहाँ से सामने आया, इसी कानून का एक सुखद पहलू की खबर मुरैना से भी छपी हुई है। वहां एक व्यापारी था जो किसानों के पैसे लेकर के, जो लगभग 40 लाख थे, 13-14 किसानों का पैसा था, वो लेकर के फरार हो गया था। अब सरकार ने उसकी संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया और कहा कि किसानों को पैसा मिलना चाहिए। तो एक तरफ यदि इस किसान आंदोलन का कुछ लोग दुरुपयोग कर रहे हैं तो वहीं इस किसान कानून का लाभ भी किसानों को मिलने लगा है, तो एक अच्छी खबर इसमें दिखी हुई है। दूसरी खबरें राजनीतिक खबरें लगभग हर अखबार में है कि कल जिस तरीके से सिंधिया जी की और शिवराज जी की मुलाकात हुई तो और उसमें जो संगठन के पदाधिकारी, निगम मंडलों के पदाधिकारी की चर्चा हुई, और इसमें दो खास बात और है कि सिंधिया जी के साथ कांग्रेस के दो पूर्व विधायक भी कांग्रेस में भाजपा में शामिल हो गए हैं। एक तो अजय चौरे जी हैं जो इनके पिताजी भी कांग्रेस में रहे, वो भी विधायक रहे, वो शामिल हो गए हैं, और एक नायक जी हैं वो शामिल हो गए, तो ये भी हुआ। और इसके साथ साथ सिंधिया समर्थक जो 6-7 लोग चुनाव हारे हैं वो भी मुख्यमंत्री से मिले और उन्होंने एक लिखित रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री को पेश की है कि किस तरीके से वो चुनाव हारे हैं, ये भी खबर लगभग लगभग है। युवक कांग्रेस की खबर भी लगभग हर अखबार में है कि युवक कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए आज उनका मतदान का अंतिम दिन है तो कल या परसों तक ये उम्मीदवार घोषित हो जाएगा। कांग्रेस से संबंधित एक और खबर जो छपी है सारे अखबारों में, क्योंकि ये खबर दिल्ली से आई और ये माना जा रहा है कि यूपीए से और कांग्रेस अध्यक्ष पद से संभवतः सोनिया जी त्यागपत्र दे सकती हैं, तो उनके स्थान पर शरद पवार का नाम चल रहा है। हालांकि शरद पवार जी उसको मना कर चुके हैं, उसके रिएक्शन भी छपे हैं, तो ये खबरें भी उसमें काफी जोरदार तरीके से खबरें छपी हुई हैं। इसके अलावा और जो 2-3 खबरें अच्छी छपी हुई हैं, एक खबर राजस्थान से छपी हुई है। राजस्थान में दो विधायकों ने फिर से एक बार सरकार का साथ छोड़ा है, मुख्यमंत्री का साथ छोड़ा है। एक खबर छत्तीसगढ़ से है, छत्तीसगढ़ की महिला जो आयोग है उसकी अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं, उनका एक बयान आया है, बड़ा विवादास्पद बयान है। उनका कहना है कि ये लगभग 3 अखबारों में ये खबर छपी हुई है, उनका कहना है कि महिलाएं पहले तो रिश्ता बना लेती हैं और उसके बाद रेप की शिकायत कर देती हैं। इसका रिएक्शन भी खूब हो रहा है, ये खबर भी एक बहुत ज्यादा छपी हुई है। एक और खबर छपी हुई है कि प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड जो कि पहले सरकार की भर्ती के लिए जो परीक्षाएं आयोजित कर रहा है वो 6 लाख विद्यार्थियों की, 6 लाख छात्रों की, युवकों की परीक्षाएं लेगा। इससे जो शासन में पद रिक्त खाली पड़े हैं उनकी भर्ती का रास्ता होगा। मैं समझता हूं जो शिक्षित बेरोजगार हैं और जो नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए ये खबर बहुत अच्छी है।
इसके अलावा जो मुख्यमंत्री जी ने कल परसों जो निर्देश दिए थे उसकी खबरें भी हमको देखने को मिली हैं। उसमें 15 तारीख को हर थाने में अब सुनवाई होगी कि जिस किसी ने सुनवाई की थी, रिपोर्ट शिकायत दर्ज की थी और पुलिस ने अगर मुकदमा दर्ज नहीं किया तो वो उसको बुलाना पड़ेगा। तो ये हर थाने में इस प्रकार की एक अदालत कहें या जन सुनवाई कहें ये शुरू होगी। इसके अलावा एक आदेश भोपाल नगर निगम ने जारी किया है और ये दूसरे नगर निगम भी इस आदेश को जारी करने जा रहे हैं। उनका कहना है कि बिल्डिंग परमिशन अगर आपने 2 दिन में नहीं दी है तो आपको कारण बताना होगा, और अगर बिना किसी कारण आपने उसको लेट किया है तो संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई होगी। ये खबर भी देखने को मिल गई है। और फिर मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से कहा है कि ड्रग माफिया के सारे मकान तोड़ दिए जाए, ये खबर भी लगभग लगभग हर अखबार में छपी हुई है। बच्चों को लेकर के ऋतु जी एक खबर है कि कई बार लगता है कि बचपन संकट में है। शहडोल की खबर आंकड़ा 21 तक पहुंच गया है, वहां कल एक बच्चे की और मौत हुई है। 2 बच्चों की मौत भोपाल जिले में यहाँ मंडीदीप के पास हुई है। तो कुल मिलाकर के बच्चे खाना खा करके सोए और सुबह उठ नहीं पाए। और एक बच्चे की खबर 8 साल की, उसको बहला फुसला करके छत पे ले जा करके उसके साथ जो कुछ घटना घटी है, तो मुझे लग रहा है कि ये बचपन संकट में आ रहा है। ये खबरें भी 2-3 अखबारों ने इसको अलग अलग उसको फैलाई है ऋतु जी। इसके अलावा आज किसान आंदोलन का जो 16वां दिन है, ये खबर लगभग सब है कि वो आज रास्ता उसको जाम करेंगे, ये खबर सब जगह है। आज वायुसेना में 325 नए ऑफिसर जुड़ जाएंगे, ये खबर भी लगभग लगभग सब अखबारों में है। मौसम को लेकर के पूरे लगभग हर अखबार ने इसको हेडलाइन दी है। सर, अगर बात यहाँ मौसम की जाए तो बदलते हुए इस मौसम को किसानों के लिए आप किस तरह से देखते हैं? ये मौसम किसान के हिसाब से चूंकि मावठा है, किसान को ये बिल्कुल लाभ देगा, लेकिन यदि सूरज निकल आएगा तो किसान को ये लाभ देगा, लेकिन मावठे के बाद अगर सूरज नहीं निकला तो मान करके चलिए इसमें फसल में कुछ बीमारियां या कुछ कीड़े लगने की संभावना है। अगर सूरज निकला तो ये पानी किसान के लिए बहुत अमृत है, लेकिन वहीं नगरीय क्षेत्र में लोगों को अपने स्वास्थ्य के लिए खास तौर से ध्यान रखना पड़ेगा। और उन इलाकों में जहां कोरोना का संकट है, क्योंकि भाप के कारण पानी के कारण वायरस बहुत ऊपर नहीं जा पाएगा, धूप उस पर नहीं पड़ेगी, उन लोगों को इसमें थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है। खांसी जुकाम जैसा हो सकता है, लेकिन कृषि के लिए बहुत फायदेमंद है, बशर्ते सूरज भगवान कल से निकल आए। जी बिल्कुल है। आप दोनों हमारे साथ जुड़े उसके लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो लगातार उन खबरों का यहाँ जिक्र किया गया जिन्होंने आज ज्यादातर अखबारों की यहाँ सुर्खियां बटोरी हैं, और ऐसे में हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े थे, शिव अनुराग पटेरिया जी और रमेश शर्मा जी, जिन्होंने तमाम खबरों के बारे में एक संक्षेप यहाँ छोटा छोटा दिया कि किस तरह से कौन सी वो प्रमुख खबरें हैं जो आगे अखबारों में बनी रह सकती हैं या सुर्खियां बनी रह सकती हैं। फिलहाल टुडेज हेडलाइन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। और अब ग्वालियर चंबल संभाग और मालवा निमाड़ क्षेत्र के अखबार क्या कुछ कहते हैं उनके बारे में जानेंगे। हमारे साथ टीएन मनीष जी जुड़ गए हैं और भानु चौबे जी जो मालवा निमाड़ क्षेत्र की खबरों का जिक्र करेंगे। शुरुआत भानु जी आपसे, क्या कुछ प्रमुख सुर्खियां? किसान आंदोलन में दिल्ली जयपुर हाईवे जाम करने की और बंगाल में जो कल घटना हुई है परसों ममता बनर्जी के बारे में, ये 2 तो अखबार की हाईलाइट है जी। और लोकल में देखेंगे हम तो भोपाल से एक अच्छी खबर है कि अगले बजट में डीए 13% की घोषणा होने वाली है। इसमें बकाया डीए होगा तो सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशी की बात हो सकती है। ये ड्रग माफियाओं के मकान तोड़े जा रहे हैं और उनकी जांच में नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। और इसके अलावा भोपाल के हमीदिया अस्पताल में कोरोना यूनिट की बिजली गुल होने की एक बड़ी खबर है। यहाँ पीएमटी घोटाले में एक आरोपी ने इंदौर में फांसी लगा के जान दे दी है। और इसके बाद है मावठा बहुत हो रहा है कल से, इंदौर में पानी लगातार गिर रहा है, तापमान 9 डिग्री गिर गया है, काफी ठंड है इंदौर में। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल खरीदी पर रोक लगा के कैश देने की व्यवस्था लागू हो रही है। शहडोल में बड़ी खबर है, 1 अप्रैल से 10 दिसंबर तक 1500 से अधिक बच्चे भर्ती हुए, उसमें 250 बच्चे मारे जा चुके हैं अभी तक, ये एक बड़ी खबर है। और इसके अलावा
मीटर, कल ऊर्जा मंत्री इंदौर में थे, किसी शादी समारोह में आए थे, उन्होंने कहा कि रीडिंग की शिकायत मिली तो मैं खुद जांच करने जाऊंगा। और प्रद्युम्न सिंह तोमर सक्रियता के लिए जाने जाते हैं। इंदौर के स्वच्छता सर्वेक्षण अब मार्च में होंगे जो जनवरी में होने वाले थे। और देश में सोयाबीन का रकबा 120 लाख हेक्टेयर हो गया, ये इंदौर में अनुसंधान संस्थान ने बताया है। और यही बड़ी खबरें हैं इस तरफ आज मालवा निमाड़ में। बिल्कुल, टीएन मनीष जी, ग्वालियर चंबल संभाग के अखबार क्या कुछ कहते हैं? टीएन मनीष जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी जी बिल्कुल, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल जी। ग्वालियर चंबल संभाग की अगर हम बात करें तो रियासत काल से सिंधिया ट्रेन के नाम पर यहाँ पर जो छोटी लाइन चलती थी उसको बंद करके हेरिटेज सिटी ट्रेन के रूप में चलाने की तैयारी पूरी हो गई है। उसकी फिजिबिलिटी सर्वे करा लिया गया है, रेलवे मदद देने को तैयार है और स्मार्ट सिटी के सीईओ सहित कलेक्टर के साथ में रेलवे के सिविल डिपार्टमेंट के जो बड़े अफसर हैं उनकी मैराथन मीटिंग चली है। उसमें ये तय हुआ है कि स्टेशन के दोनों छोरों पर जो सड़क मार्ग है उसको 30-30 मीटर चौड़ा किया जाएगा और वहां स्टेशन बजरिया और तानसेन रोड की जो दुकानें थी उनको नए जगह पे शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस हेरिटेज को बनाए रखने के लिए प्रशासन सक्रिय हुआ है और रेलवे ने कहा है यदि राज्य सरकार इसके संचालन का बीड़ा उठाती है तो हम इसमें आगे मदद करने को तैयार हैं। तो एक तो ये एक विकास की खबर है। इसके अलावा एक बड़ी खबर जो कल से परसों से बहुत ज्यादा सुर्खियों में रही है कि सरकारी लैब और कोविड अस्पतालों की सरपरस्ती में एक ऐसा रैकेट पनप रहा था जिसमें 10 लोगों के होने का शक है। दलालों ने 4 महीने में 150 संक्रमितों को परिजनों को भेज डाले प्लाज्मा और जयारोग अस्पताल की फर्जी रसीद पर रिपोर्ट भी थमा दी। इसके अलावा एक दिन पहले जिस मरीज की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी उसके बावजूद डॉक्टरों ने प्लाज्मा चढ़ाया। अगर हम मौसम की बात करें तो बादल छाए हुए बूंदाबांदी होने से दिन का पारा 3.99 लुढ़कने की खबर है। अरब सागर से नमी आने के कारण इस मौसम में पश्चिमी विक्षोभ जो बना है अफगानिस्तान से उस वजह से ये बदलाव आया है। इसके अलावा एक खबर ये है कि जो नशे के कारोबार से संबंधित मामला है तो इसमें जितने भी ड्रग माफिया और इस तरह के लोग हैं उनको प्रशासन ने चिन्हित कर लिया है। उन पर एक एक करके जो है लगातार अब जो है शिकंजा कसा जा रहा है। एक कोरोना से संक्रमण से संबंधित खबर है कि एक व्यक्ति बुजुर्ग के चपेट में आने के बाद पत्नी भी संक्रमित निकली है। 50 से अधिक कोरोना मरीज पाए गए हैं। इसके अलावा एक जो सीरो सर्वे को लेकर प्रशासन गंभीर नहीं है जबकि जयारोग अस्पताल के जीआर मेडिकल कॉलेज के सीपीएसएम विभाग ने तय किया था कि ग्वालियर के शहर के अंदर 11,800 लोगों के तमाम जो वार्ड है 66 वार्डों में सैंपल लिए जाएंगे कोरोना के, लेकिन इसको अब एक हफ्ते में 2 सप्ताह में पूरा करने की बात की जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भीतरघात के आरोपी और परिवारों को भाजपा में रखने वालों को कांग्रेस टिकट नहीं देगी, नगर निगम चुनाव से जुड़ी ये खबर है। कांग्रेस की पहली बैठक हुई है, इसमें दावेदारों से चर्चा प्रभारी करेंगे। यदि सबूत के साथ कोई लाता है कि फला नेता ने भीतरघात किया है तो उसकी टिकट जरूर काटी जाएगी। इसके अलावा नगर निगम में जो भ्रष्ट सिटी प्लानर जो धरे गए थे ईओडब्ल्यू में भवन शाखा में तो उसमें काम करने वाले सभी कर्मचारियों को आयुक्त और प्रशासन ने बदल दिया है और अब उनके साथ काम करने वाले जितने लोग थे उनको हटाकर नए सेटअप में जो है ये वाला काम किया जाएगा। प्रदीप वर्मा के 3 बैंक खातों की लेन देन की जानकारी भी प्रशासन को मिली है, इस तरह की खबर है। इसके अलावा डीआरएम से अफसरों ने स्टेशन में सब ठीक होने की बात कही जबकि 4 साल से ट्रेन के डिस्प्ले बोर्ड तक बंद होने की जानकारी दी गई है। इसके अलावा एक खबर और है जिसमें कि एक चरित्रहीन टीआई की बात आई है जो कि मुरैना जिले में पदस्थ है, उसके एक महिला सिपाही के साथ संदिग्ध अवस्था में मुरार क्षेत्र के फ्लैट में पकड़े जाने और पत्नी और सास के द्वारा पीटकर थाने ले जाए जाने की एक सुर्खी बनी है। ऐसे ही एक दोस्त के टिकट पर फर्जी तरीके से एयरपोर्ट पहुंचे एक युवक को फ्लाइट में बैठने की जो इच्छा है वो जताना गलत तरीके से भारी पड़ा, उसे महाराजपुरा थाने में पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया है। अभी तक जो पकड़े गए स्मैक और गांजा तस्कर है उनके नाम पुलिस अब लगातार खंगाल रही है, इस तरह की खबर है। और कोरोना से निजात के लिए रानीघाटी गौशाला में
रुद्र महायज्ञ करने की भी बात है। धार्मिक खबरों की अगर बात करें तो अन्ना महाराज के मठ में महीपतिनाथ महाराज की चरण पादुका है। 225 साल पुरानी परंपरा सिंधिया राजवंश के जमाने से चल रही है। इस बार कोरोना के कारण ढोली बुआ महाराज के यहाँ से ये जो पालकी है, पालकी में ना आकर कार में वो पादुकाएं लाई गई हैं सुरक्षा की दृष्टि से। इस तरह की खबरें हैं जी ऋतु जी। बिल्कुल है भानु जी, जिस तरह से आपने जिक्र किया यहाँ पर हम भी देख रहे हैं कि किस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान का लगातार एक्शन मोड नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ ड्रग माफिया अभियान चलाने की वो भी व्यापक स्तर पर बात की गई है सीएम की तरफ से और अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए। क्या कुछ लगता है कि अभियान जमीनी स्तर पर किस तरह कारगर होगा, क्योंकि सरकार की तरफ से अभियान चला दिए जाते हैं लेकिन ज्यादातर देखा जाता है कि अभियान सिर्फ कुछ महीने तक चलते हैं, उसके बाद जो जमीनी हकीकत होती है वो बिल्कुल प्लेन हो जाते हैं। जी, इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें आप देखिए, सबसे पहली दो सिरे हैं इस धंधे के जी। पहला सिरा है जो शहरों में, गलियों में, बगीचों में बहुत बहुत ही स्मॉल स्केल पे लोगों को सप्लाई होता है, बहुत सस्ते टाइप के लोग बहुत सस्ती पुड़ियाएं इस तरह से बेचते हैं, पुलिस का वहां तक पहुंचना मैंने कई बार देखा है मुश्किल हो जाता है। और इसका दूसरा सिरा है जो बाहर जुड़ता है, बॉम्बे से, विदेश से, नाइजीरिया से और अफ्रीकन कंट्रीज से सप्लाई होता है जो, तो एक प्रदेश अकेला इससे लड़ सकेगा ये बात मेरी समझ में जरा नहीं आ रही है। और कैसे, जब तक सप्लाई बंद नहीं होता और सेल बंद नहीं होता, ये बीच में मध्य प्रदेश अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, मेरे ख्याल से सबको मिलके कोई एफर्ट करना पड़ेगा जी। टीएन मनीष जी, जिस तरह से भानु जी ने कहा कि अगर अभियान को सफल बनाना है तो कहीं ना कहीं पहले ही ड्रग्स जो जिस तरह से सप्लाई हो रहा है उसे बंद करना पड़ेगा, लेकिन अब यहाँ पर कहा गया है कि जो ड्रग माफिया है उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिए जाएंगे, किस तरह से इसे देखा जाए कि कितना सफल आगे हो सकता है? देखिए, इसमें दरअसल सबसे बड़ा जो कैच है या जो हम ये कहें कि पेच है वो ये है कि मुखबिर तंत्र की नाकामी जो पुलिस की इस सिलसिले में लगातार देखने में आती है, क्योंकि जो मैदानी हमला होता है वो चंद पैसे के लालच में कहीं ना कहीं अपने कर्तव्यों के पालन में कोताही बरतता है, और अफसरान की मीटिंग के बाद दो चार दिन तक तो चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाला किस्सा जो है वो सामने आता है। लेकिन जिस तरह से अब शिवराज का नया अवतार सामने आया, हमने लगातार देखा है ऋतु जी की लगातार जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, दो कलेक्टर्स को उन्होंने हटाया और लगातार वो जिस तरह से सख्त हो रहे हैं, तो उन्हें भी ये पता है कि अब जनता के अदालत के बीच जिस तरह से उनको मौका मिला है उस मौके को पूरी तरह से, क्योंकि पहले ये माना जाता था कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में प्रशासनिक निरंकुशता हावी हो जाती है, अफसरशाही हावी हो जाती है, लाल फीताशाही हावी हो जाती है और अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं, तो उस छवि को सुधारने के लिए जिस तरह से शिवराज बिल्कुल सामने आए हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें बिल्कुल जिस तरह से आपने कहा कि अधिकारी मनमानी करते, तो क्या कुछ लगता है कि ऐसे में अधिकारियों पर भी शिकंजा यहाँ कसने की बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है? निश्चित तौर पर अधिकारियों पर शिकंजा कसने की बात है, और ये नजीर पेश की है शिवराज ने जिस तरह से उन्होंने अभी दो कलेक्टर्स के साथ में सख्ती बरती है, तो ऐसे पूरे प्रदेश के अन्य जिलों के जो जिलाधीश हैं उनके समक्ष भी एक संदेश पहुंचता है कि अब हमारा मुखिया सक्रिय हो गया है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा लगता है कि ये जहां तक नशे के कारोबार की बात है तो स्लीपर सेल्स जो हैं, जो छोटे छोटे स्तर पे जो काम करते हैं, जैसे भानु जी ने कहा, उनके नेटवर्क को तोड़ना बहुत जरूरी है, लेकिन बड़ी मछली को जब तक आप नहीं पकड़ेंगे तो छोटी मछलियां जो है वो पूरी तरह से उनको पता भी नहीं होता है कि आखिर में ये जो मुख्य सोर्स कहाँ से आ रहा है। तो इसलिए अब जो है नारकोटिक्स के साथ में पुलिस प्रशासन की ज्वाइंट एक्सरसाइज होने की कवायद चल रही है, जिस तरह से अब तक के जितने मामले वो खंगाले जा रहे हैं। ग्वालियर चंबल में आपको बता दूं कि उपनगर ग्वालियर में सर्वाधिक इस तरह के कारोबार होते हैं और उन पर अब पुलिस, जिला प्रशासन और संबंधित नारकोटिक्स महकमे को सक्रिय होकर एक संयुक्त, बिल्कुल यहाँ पे सक्रिय प्रशासन को भी होना पड़ेगा। समय की कमी है इसलिए चर्चा को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। फिलहाल आप दोनों हमारे साथ जुड़े और ग्वालियर चंबल संभाग मालवा निमाड़ क्षेत्र की खबरों का यहाँ जिक्र किया, उसके लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। फिलहाल टुडेज हेडलाइन में इतना ही, आप बने रहिए डीएनएन के साथ। नमस्कार।